बस गाइस आए थे बाहर, अब मूड खराब हो गया, जा रही हूँ मैं तो घर को वापस। मेरे को भी गुम कर देगा एक दिन तो। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने सुबह से कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाया, स्टार्ट ही नहीं किया था मैंने। तो अभी रात के 8 बज गए हैं, मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ। और थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया। तो गाइज अभी आज सैटरडे है तो सोचा चलो कुछ थोड़ी देर कुछ जाके आते हैं बाहर, तो देखते हैं कहाँ चलते हैं। मेरे को फ़ोन किया था मैंने, वो कहते मैं भी आ रहा हूँ 10-15 मिनट में आ रहा हूँ। तो गाइज मैं रेडी हो गई हूँ, मैं कबीर को भी रेडी कर देती हूँ। कबीर भी रेडी हो गया है। ऐसा कर रहा है, ये नींद से उठा है इसलिए ऐसा कर रहा है। तो गाइस हम लोग कार में बैठ गए हैं, मेरे को आ रहे हैं। कभी इतना जिद करता है कि मैं कार में जाके बैठूंगा, कार में जाके बैठूंगा, इसलिए इसको मैं नीचे पहले ले आई हूँ। मेरे को अभी आ रहे हैं ऊपर से लॉक लगा के। लॉक लगाने तक कभी पेशेंस नहीं है इसमें कि बस फटाफट चलो कार में। बंद करो डोर, बंद करो। नहीं मम्मा मैं वापस आता हूँ, बड़ा ठंड लगती है, बंद करो। क्यों लगेगी? फिर बाहर क्यों जा रहे हो? पापा को तो आन दो। क्यों आन दो? पापा को आन दो बेटा, कहाँ जा रहे हो? कभी नहीं जा। डॉगी है बाहर, ये देखो आगे से जाके पीछे से आ रहे हैं, देखो। तो गाइस वो ना पर्पल वाली शर्ट मेरे को अच्छी नहीं लग रही थी इसलिए मैंने चेंज कर ली, येलो वाली शर्ट पहन ली थी। पापा आप कार में फोन मत जाओगे, फिर फोन ले लो। पापा कार में फोन भूल जाएंगे। यार तू चार इसकी हर जगह जिद होती है, इसको चाबियां चाहिए, चाबियां बस, कार की, घर की, लॉक की, स्कूटी की, सबकी चाबियां इसको चाहिए, गाड़ी इसने लॉक करनी है, ये जिद है इसकी। कर दी, वेरी गुड, आ जाओ इधर, चलो ग्यारह बजे भी कितना रश है यहाँ पे सात फेज की मार्केट में ना, कितना रश है यहाँ पे। जब तक स्लिप लेके आते हैं आप बना दो, है ना कबीर? कबीर को तो ये स्वीट को नहीं खाने होते हैं। पापा लेके आ रहे हैं, स्लिप लेके आ रहे हैं। यहाँ पे देखो इतना रश है, इसके ना स्टीम मोमोज बहुत टेस्टी होते हैं। उसका ध्यान बीच में मेरे वाले नहीं खाने का था, अपने वाले खाओ। नहीं नहीं कबीर, ऑलरेडी बोल दिया स्टीम मोमोज। कभी ठंड लग रही तो कार में जाके खाएंगे फिर। कबीर कभी ठंड लग रही है, बोल ही नहीं रहा। बस गाइस आए थे बाहर, अब मूड खराब हो गया, जा रही हूँ मैं तो घर को वापस। मैं बोल दिया चलो घर चलते हैं। किसी की सुबह सुबह बारात जा रही है, बज रहे हैं ढोल एकदम से। ये देखो गाड़ी खुद जाके पंगे ले रहा है खोलने के लिए। कबीर नो, खोल ली इसने। मक्कू जाओ जल्दी, उन्हें गाड़ी खोल लिया, जल्दी जाओ। अभी 11 बज गए हैं, संडे है तो चलो, मतलब लेट सभी उठते हैं मोस्टली संडे को। मक्कू गए हैं अभी चने लेने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो मैं पूरियां बना लेती हूँ, चने आप बाहर से ले आओ। तो अभी मैं पूरियां बना लेती हूँ, मक्कू और कभी गए हुए हैं, क्योंकि मैं अगर जाती तो मेरे को स्कूटी पे जाना पड़ता, बाहर बहुत ठंड है, इसलिए मैंने बोला कि आप लेके आओ, मैं नहीं जाऊँगी। अभी मैं बना रही पूरियां। कभी पीछे गिरेगा, तेरी तो आराम से मार लग जाता, आराम से दिख 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 बॉल में तेरी तो। कुछ यार ये कट कर ही आ रही है, बहुत तेज है, लग जा। कैसे कट करूं, कैंची से तो बना नहीं इसने, मैं एक मारता तू। बेड पे बैठ गई, थोड़ा दूर हट के मारो।
बच्चे सॉक्स की बॉल बना के खेल रहे हैं। इसकी वो सॉफ्ट वाली बॉल कहाँ गई? कबीर आपकी सॉफ्ट वाली बॉल कहाँ है? वो तो मैं गुम कर दी। गुम कर दी, वेरी गुड। बस यही करो आप, हर चीज गुम करो। आपको भी गुम कर दूंगा। मेरे को भी गुम कर देगा एक दिन तो। कह रहा मेरे को भी एक दिन गुम कर देगा ये। हेलो बताओ बोला पापा। पीपी बोलो पीपी पीपी। तो गाइस मक्कू को कोई काम था तो हम लोग इधर आए थे जीरकपुर। मतलब मक्कू ने कहा था कि मैंने जाना, अगर आप लोगों ने जाना तो साथ में चलो। तो ये दीदी ने मेरे हेयर स्टाइल किया है आज, थोड़ा डिफरेंट किया है। बताना कैसा लग रहा है। कबीर और मैं कार में बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। मक्कू अभी आ रहे हैं, जस्ट अभी गए हैं वो। अभी लगेंगे उनको 5-7 मिनट 10 मिनट लगेंगे, जब तक हम लोग कार में बैठ के वेट करते हैं, है ना कबीर? बस बस, अरे अब तो मैंगो। मैं मैंगो नहीं हूँ तुम्हें। अब तो मैंगो, अब मैंगो मैंगो जूस के जैसा नुम 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 पीता हूँ। तू की पपी नहीं पापा, ये पापा मैगडी से जब भी आता है ये गॉगल पहन के आता है ये वाला ना, वो शायद देते हैं मैगडी वाले। अभी अंदर आजो। आओ कबीर, कबीर, अरे कबीर यार पकड़ जा रही है। मुझे डॉगी घूम रहा है, बार बार क्यों फेर रहे हो बार बार? डॉगी घूम रहा है यहाँ पे, पैर अंदर करो। आपके लिए लेके आए बेटा। तेरी तो सिक्योरिटी सिक्योरिटी क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? बेल्ट लगी हुई है। कबीर ने इसका कुछ पंगा ले लिया। अब इसमें सिक्योरिटी सिक्योरिटी आई जरा बार बार ऑन ऑफ करे तो फिर कुछ देर बाद हमें याद आया कि इसमें पासवर्ड लगता है। वो हमने यूट्यूब से देख के ट्राई किया कैसे कैसे करना है, फिर इसमें पासवर्ड लगाया, उसके बाद ठीक हो गया। ये बहुत पंगे लेता है कबीर। क्या करे भाई, जबी सिक्के हो पहले घर वाली नु पटाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा। देखो मैकडॉनल्ड की ऐनक पहन के आना पड़ा मेरे को आगे सबके बीच, नहीं तो हम बहुत छुपे वाले बंदे हैं। आ जाइए यूट्यूब में, हम आना इसलिए नहीं चाह रहे कि फिर तहलका मच जाएगा, फिर सारे बंदे हमारे पीछे लग जाएंगे। इसलिए पहले लड़कियों का बहुत क्रेज चल रहा। बोलने को तो कबीर के पापा हैं मगर बहुत खतरनाक है। खतरनाक यानी लुकिंग हॉट। लड़कियों के लिए वैसे मेरे बेबी को बहुत गुस्सा आता पापा हॉट टू बोलते। पापा हॉट नहीं, कबीर को ये बात हजम नहीं होती ना कि कबीर इसके पापा हॉट लग रहे हैं। पापा हॉट नहीं, कभी हॉट है कहते, ठीक है कभी हॉट है। ओके पापा आउट हो, आप आउट हैं। किसके बोले उसके ऊपर हाथ चक जाता है। यानी ओ देखो ऐसे नहीं करते बेटा, बहुत गंदा वाला बेबी हो गया आजकल ये, आपको तो पता चल गया हो। अभी मैंने इसके लिए बस हो गया। कबीर उठो, ये बन गई देखो आपकी फेवरेट वाली। उठो 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 उठो, मैगी नहीं खानी आपने? ये मैगी बोलता है इसको। कबीर उठो उठो उठो, मैगी खा लो। मैगी खानी है? मैगी खानी है आपने? खानी है कबीर? मैगी खानी है? जल्दी बोलो, उठो फिर। चलो मैगी खाओ, ये लो कबीर की मैगी। ओ वाओ कबीर तो मैगी खाता है। ओ ले फिर पड़ गया तू, है पीछे उठो। मम्मा कहाँ बैठेंगे? मम्मा कहाँ बैठेंगे? मम्मा तो कबीर के पास बैठते उठते हैं। उठ जाओ उठ जाओ, मैगी लो। ठीक मैगी लो।